सो गाइस स्लाइडिंग डोर में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या उनका सॉल्यूशन है, यही आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों मैं ललित कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल कारपेंटर ललित। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस स्लाइडिंग डोर की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में जानने से पहले हमको यह जानना होगा कि जो स्लाइडिंग डोर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें दो चैनल आती है, एक ऊपर की साइड लगती है और एक नीचे की साइड लगती है, और साथ ही इसके रनर आते हैं। तो इसमें इस तरीके का रनर आता है जो कि ऊपर की साइड में दो और नीचे की साइड में भी दो, इस तरीके से एक डोर में चार रनर लगते हैं। और जो चैनल लगती है उसमें चार हाइड्रोलिक लगते हैं, दो इस साइड और दो उस साइड। अब दो इस साइड इसलिए क्योंकि एक इस दरवाजे के लिए काम करेगा और एक जो दूसरा दरवाजा है उसके लिए काम करेगा। तो दोस्तों इस चैनल में दो ट्रैक बनी हुई होती है, एक ट्रैक में आगे का दरवाजा चलता है और दूसरी ट्रैक में पीछे का दरवाजा चलता है, और दोनों ट्रैक में अलग अलग हाइड्रोलिक लगते हैं। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से ये जो स्लाइडिंग डोर है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि जब भी दरवाजा नीचे की साइड टच होने लग जाए तो हमको क्या करना चाहिए, यानी कि या तो ऊपर की साइड होगा या फिर नीचे की साइड टच होगा, दोनों में से एक साइड ही दरवाजा ज्यादातर टच होता है, कभी कभी दोनों साइड भी टच होता है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि उस केस में हमको क्या करना चाहिए। अभी हम सोचते समझते हैं कि या तो फिर ऊपर या फिर नीचे, दोनों में से किसी एक साइड में दरवाजा टच हो रहा है तो हमको क्या करना है। उस केस में हमको या तो दरवाजा ऊपर लेना पड़ेगा या फिर दरवाजे को नीचे लेना पड़ेगा। अगर दरवाजा ऊपर टच हो रहा है तो हमको दरवाजे को नीचे लेना है, और दरवाजा नीचे टच हो रहा है तो हमको दरवाजा ऊपर लेना है। बट दोस्तों हम लेंगे कैसे, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा इस रनर को। जैसे कि ये इसका रनर होता है जो कि ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, यानी कि ऊपर की साइड में भी फिट होता है और नीचे की साइड में भी फिट होता है। अब थोड़ा सा हम इस रनर को समझ लेते हैं कि यह किस तरीके से काम करता है। दरवाजे को ऊपर और नीचे लेने के लिए हमको कुछ ज्यादा यहाँ पर नहीं करना है, बस ये जो स्क्रू होता है इसी से दरवाजा ऊपर और नीचे आ जाते हैं। अब ये होता क्यों है ये भी हमको समझ लेना चाहिए। जब भी हम इसको टाइट करेंगे, अगर हम इसको टाइट करते हैं तो ये जो स्क्रू है ये पीछे की साइड ये रहा, इसको अगर हम टाइट करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से आगे आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, हम जब भी इसको टाइट करेंगे तो ये स्क्रू आगे आएगा और इसको जो दबा के रखा है इसको हम ये धीरे धीरे इस तरीके से छोड़ेगा। अब जैसे कि क्योंकि दरवाजे का पूरा वेट इसके ऊपर होता है तो ये इस तरीके से दबा हुआ होता है, तो जब भी हम इसको टाइट करेंगे तो ये इसकी डिस्टेंस बढ़ाएगा, और जब भी ये इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ाता है तो अब जैसे कि आप समझ रहे हो कि ये इस तरीके से ये डिस्टेंस इसकी बढ़ रही है, इसको हमने टाइट किया तो इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, तो जो दरवाजे की हाइट है यानी कि दरवाजा थोड़ा ऊपर की साइड उठ रहा है, तो इस तरीके से हम इसको टाइट करेंगे तो दरवाजा ऊपर की साइड उठेगा, और जब भी हम इसको ढीला करेंगे तो दरवाजा नीचे की साइड जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर ये इतना यहाँ पर गैप है, हम इसको टाइट करेंगे तो ये यहाँ से अंदर की साइड चला जाएगा ये। तो जितना ये अंदर जाएगा उतना ये जो सॉकेट वो ज्यादा इसको टच होगा और ज्यादा मतलब अंदर की साइड प्रेस होगा, तो जब भी हम इसको ढीला करेंगे तो जो दरवाजे की गैप है यानी कि दरवाजा नीचे की साइड रहेगा तो ऊपर की गैप बढ़ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। तो दोस्तों ये दरवाजे का नीचे वाला भाग है, अब इसका सॉकेट ये रहा। तो दोस्तों ये इसका सॉकेट है, अब जब भी हम इसको इस तरीके से टाइट करेंगे तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो गैप है वो बढ़ रही है, और जब भी इसको हम ढीला करेंगे तो ये दरवाजा नीचे से आ जाएगा, तो इसकी ये जो गैप है वो कम हो जाएगी। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि ये जो स्क्रू है सिर्फ और सिर्फ इस एक स्क्रू की मदद से हम इस दरवाजे को ऊपर या फिर नीचे ले सकते हैं, तो काफी ज्यादा आसान है दरवाजे को ऊपर और नीचे लेना। इसके लिए आपको मुझे नहीं लगता कि किसी मिस्त्री को बुलाने की जरूरत है, और वैसे भी छोटे काम के लिए मिस्त्री काफी ही कम आते हैं। तो इस छोटी सी अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर है तो आप दरवाजे को आसानी से ऊपर और आसानी से नीचे ले सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया कि ऊपर या फिर नीचे किसी एक साइड अगर दरवाजा टच हो रहा है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कि दरवाजा दोनों ही साइड टच हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों ऐसा ज्यादातर कब होता है, दरवाजा मान लीजिए कि दरवाजा नीचे की साइड खिसक गया है तो दरवाजा नीचे टच हो रहा है, बट दोस्तों ऊपर टच क्यों हो रहा है। अब ऊपर टच इसलिए होता है क्योंकि जो आपका लॉफ्ट है, जो आपका माया है, उसमें या तो फिर जो दरवाजे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं तो सपोर्ट काफी कम हो जाता है। तब ऐसे केस में क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पर कुछ भी सामान रखोगे तो ये आप देख सकते हो कि ये जो पार्टियां हुई वो बेंड हो जाता है, और जब भी पार्टियां बेंड होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो पार्टियां है इस सॉकेट में या फिर इस डोर में टच होगा।
तो ऐसे केस में दरवाजा जो है दोनों ही साइड में टच होने लग जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर जो भी सामान है उसको हटा देना है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। मान लीजिए कि फिर भी यह प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, तो फिर ये जो आपका पार्ट है वो बेंड हो चुका है, फिर आपको यहाँ पर एक सपोर्ट लगवाना पड़ेगा, या फिर तब आपको किसी के ऐसे केस में आपको मिस्त्री को बुला के इस पार्टे का बेंड निकलवाना पड़ेगा। मिस्त्री हो सकता है यहाँ पर एक सपोर्ट खड़ा करे 2 या 3 दिन के लिए, या फिर ऊपर हो सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट फिक्स करे ताकि इस पार्टे का बेंड निकाला जा सके। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं, और इस प्रॉब्लम का यही एकमात्र सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन शॉर्टकट इसका यह है कि हम इस दरवाजे को ऊपर की साइड से काट सकते हैं। पर दोस्तों ऐसे केस में होगा क्या कि अब दरवाजा यहाँ पर, यहाँ से ये पार्टियां बेंड है तो यहाँ पर तो गैप हो जाएगी, लेकिन जब हम इस दरवाजे को खोलेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा गैप होगी। और वैसे केस में एक प्रॉब्लम यह भी होगी कि आपके जो ऑटो क्लोज यानी कि जो हाइड्रोलिक है वो आपके काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है, तो आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लेना। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं लेना है, आपको इस ऊपर का जो ये पार्ट है इसी को बेंड निकालना है। मान लीजिए बेंड नहीं निकलता है तो आप शॉर्टकट ले सकते हो, बट आपको जो ऑटो क्लोज है वो काम नहीं करेगा। दोस्तों जब भी आप दरवाजे को ऊपर और नीचे लोगे तो आपको एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, आप जैसे देख सकते हो कि ये जो सॉकेट है वहां पर अपना टच हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है इसलिए है कि जो अंदर का जो सॉकेट होता है वो बेंड होता है, उसको आपको सही करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बेंड होता है। आप देख सकते हो कि ये जो सॉकेट है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इस साइड से ऊपर है। तो जब भी इस तरीके से ये सॉकेट देख सकते हो कि ये टेढ़ा है, इस साइड से ऊपर है, तो ये इस साइड से ऊपर है, तो ये हो क्या रहा है कि ये जो हाइड्रोलिक है इसके अंदर इसका जो सॉकेट है ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से टच हो रहा है। तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस सॉकेट को थोड़ा सा नीचे ले लेना है तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसको मैं भी इस सॉकेट को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस साइड से इस सॉकेट को नीचे ले लिया है, तो अब जो हमारा टच हो रहा था वो अब यहाँ पर टच नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इस सॉकेट को जो तिरछा था यानी कि जो टेढ़ा था उसको हमने सही कर दिया, तो अब हमारी वो प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो गई है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम यह आती है कि जो दरवाजे का जो हाइड्रोलिक होता है सॉफ्ट क्लोज होता है वो काम नहीं कर रहा है। आपको लग रहा होगा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हो कि काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है कि सॉफ्ट क्लोज आखिर काम कैसे करता है। अब यहाँ पर आप यह देख सकते हो जो पीछे का हाइड्रोलिक है इसका जो ये पिन है ये आगे है और इसका यहाँ पर पीछे चला गया है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इस पिन को आप खींच के यहाँ पर लेकर आ जाइए। डिसमिस चाबी इस तरीके के आप यहाँ पर टूल यूज कर सकते हो, आपको खींच के प्रॉपर यहाँ पर इसको आपको इस तरीके से ये यहाँ पर आके ये अंदर की साइड दब जाएगा। ये यहाँ तक खींचोगे तो ये अंदर यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि ये अंदर की साइड ऐसे फेसी में फंस जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि इस सिचुएशन में जो सॉफ्ट क्लोज होते हैं हाइड्रोलिक होते हैं वो इस सिचुएशन में रहना चाहिए, तभी ये काम करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अभी हम प्रॉपर काम करेंगे इस तरीके से। अब फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि इसको मैंने यहाँ से छुड़ा दिया, ये यहाँ से छूट गया, तो अब यह जो हाइड्रोलिक है इसका काम नहीं करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको बस सिंपली चाबी से डिसमिस से इस ऐसे टूल से आप इसको सिंपली यहाँ पर खींच लीजिए। ऐसे खींचोगे तो आपका जो सॉफ्ट क्लोज है वो अच्छे से काम करने लग जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद आप जब दरवाजे को बंद करते हो, दरवाजे को बंद किया, सॉफ्ट क्लोज हो गया, लेकिन जैसे ही आपने इसको फिर से खोला और जो वो ठेसी है वो फिर से खिसक कर पीछे चली गई, तब आपको क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आपको करना कुछ नहीं है, दरवाजे को बस ऊपर लेना है। ऐसा तभी होता है जब दरवाजा नीचे चला जाता है। दोस्तों जो ये आप ठेसी देख रहे हो, ये ठेसी जाके ये आप देख सकते हो कि ये स्लाइडिंग में ये यहाँ पर जाके फंसती है, तो ये सॉफ्ट क्लोज होता है। जब हम इसको दरवाजे को खींचते हैं तो ये इसके साथ में आके यहाँ पर लॉक हो जाती है, लेकिन जब दरवाजे की ये गैप ज्यादा रह जाती है यानी कि ज्यादा हो जाती है, दरवाजा थोड़ा नीचे की साइड चला जाता है, तो ये सॉकेट इतने इसमें अच्छे से पकड़ नहीं करते हैं। अब जब ही हम इसको खींचते हैं तो ये इस सॉकेट में से इसकी जो ये पिन है वो छूट जाते हैं और ये जो सॉकेट है वो पीछे छूट जाता है। जब दरवाजा नीचे उतर जाता है तो ठेसी इसमें फंसती नहीं है और सॉफ्ट क्लोज तो हो जाता है। जब हम इसको फिर से यहाँ पर खींच के यहाँ पर लाते हैं तब एक बार सॉफ्ट क्लोज होगा, लेकिन
फिर हम दरवाजे को फिर से यहाँ से खींचेंगे तो वो ठेसी इसमें फंसती नहीं है। अब दरवाजा तो आगे चला जाता है बट ये ठेसी यहीं पर रह जाती है, तो उसके बाद जो सॉफ्ट क्लोज होता है वह काम नहीं। आप इस ठेसी को खींच के यहाँ पर लाते हो तो आपको यहाँ पर 2 से 3 बार इस तरीके से चेक करना है कि यह ठेसी फिर से खींच के पीछे जा तो नहीं रही है। अभी वो जो आप देख सकते हो कि ठेसी इसके साथ में ही वापस खींच के यहाँ पर आ रही है, तो आपको इस तरीके से 2-3 बार चेक करना है। आपको लगे कि हाँ आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तब आप समझ लीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो चुकी है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो साइड की गैप होती है वह इनका जो सेटिंग होता है वह बिगड़ जाता है, यानी कि अभी ये गैप एक जैसी है लेकिन समय के चलते ये गैप यहाँ तो ऊपर से बढ़ जाएगी या फिर नीचे से बढ़ जाएगी, यानी कि ऊपर से टच है तो नीचे से गैप पड़ गई, या फिर मान लीजिए कि नीचे से टच है तो ऊपर से गैप पड़ गई, कुछ इस तरीके से। अभी आप देख सकते हो कि ये जो गैप है वो प्रॉपर है, एक जैसी पूरी है, लेकिन कभी कभी ये पूरी नहीं रहती है और ऊपर से गैप बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? अब ऐसी सिचुएशन मान लीजिए कि ऊपर की गैप बढ़ गई है तो हमको दरवाजे को उस साइड से थोड़ा ऊपर लेना है, हमको दरवाजे को इस साइड से ऊपर लेना है न कि इस साइड से नीचे लेना है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर केस में दरवाजा नीचे ही आता है तो हमको ऊपर ही लेना है दरवाजे को। हम इस साइड से दरवाजे को नीचे लेकर भी ये सेटिंग कर सकते हैं लेकिन हमको पहले इस साइड से दरवाजे को ऊपर लेना है क्योंकि ज्यादातर केस में दरवाजा नीचे ही आता है। तो हम इस साइड से दरवाजे को ऊपर लेंगे तो ये दरवाजा थोड़ा सा इस तरीके से होगा और ये गैप हमारी जो है वो सेट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आपको यह लग सकती है कि आपने इस साइड से दरवाजे को ऊपर लिया तो हो सकता है कि आपको ऊपर थोड़ा सा दरवाजा टच होने लग जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि इस साइड से आपने दरवाजे को ऊपर लिया, आपने देख लिया कि साइड से गैप जो है वो सेट हो गई है, उसके बाद आपको दोनों सॉकेट को थोड़ा सा हल्का सा नीचे ले लेना है तो आपको ऊपर की गैप यानी कि ऊपर जो टच हो रहा था वो भी सोल्व हो जाएगी और ये वाली गैप भी सोल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा काफी कम होता है, आप सीधा इस साइड से दरवाजे को ऊपर लोगे तो आपकी जो गैप है वो सेट हो जाएगी। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि इस साइड से दरवाजे को नीचे नहीं लेना है क्योंकि दरवाजा इस साइड से नीचे गया है तो आपको इस साइड से ही ऊपर लेना है। इस साइड से अगर दरवाजे को नीचे लोगे तो आपका फिर से वही प्रॉब्लम, यानी कि जो आपका सॉफ्ट क्लोज है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और इस साइड से दरवाजे को ऊपर ले लेना है। तो दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम थी जो कि हमने देखा कि उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है और साथ में यह भी समझा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। बट अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टिप्स को शुरू करते हैं। अब जैसे कि आगे का दरवाजा नहीं पीछे का दरवाजा, पीछे का दरवाजा यहाँ पर पूरा का पूरा हमने ओपन कर दिया। अब जब हमको इसको फिर से क्लोज करना है तो हमको इस तरीके से पकड़ के हमको खींचना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर एक राउंड होल करवा सकते हैं जो कि इस तरीके से अगर क्लोज हो जाता है तो हम यहाँ पर उंगली डाल के उसको खींच के, यहाँ पर मैंने होल नहीं किया है अभी तक इसके लिए, यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखा सकता बट यहाँ पर आपको एक होल करा देना है। तो आप यहाँ पर उंगली डाल के इसको खींचोगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। टिप नंबर 2, आप जब भी लॉक लगवाते हो, अब यहाँ पर आप कौन सा लॉक लगा रहे हो वो बाद में, बट जब भी लॉक लगवाते हो तो आपको क्या करना है कि जो हैंडल की हाइट होती है उस हैंडल की हाइट से नीचे की साइड लॉक लगवाना है। ऐसा क्यों? लॉक को यहाँ पर लगाते हैं हैंडल की, क्योंकि हैंडल सेंटर में लगाते हैं और लॉक को भी सेंटर में लगा देते हैं तो अब दरवाजा या तो ये अंदर की साइड बेंड होगा या फिर ये बाहर की साइड बेंड होगा। जब भी इस तरीके से बेंड होगा तो होगा क्या कि जो अपना लॉक है वो इस हैंडल में टच होगा और अपना जो हैंडल है उसका लुक बिगड़ जाएगा और काफी ज्यादा यहाँ पर स्क्रेच हो जाएंगे। टिप नंबर 3, दोस्तों यहाँ पर साइड में गैप होती है, अगर आप चाहते हो कि यह गैप न पड़े तो यहाँ पर आप यहाँ पर ब्रश पट्टी का यूज कर सकते हो। यहाँ पर अगर ब्रश पट्टी लग जाएगी तो जो आपको यह गैपिंग दिख रही है वह बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। टिप नंबर 4, आप चाहते हो कि आपके दरवाजे का लुक न बिगड़े लॉक की वजह से, क्योंकि जो सेंटर लॉक होता है वो इस तरीके से बाहर निकलता है, मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा उस लॉक की फोटो लगाने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि इस तरीके से आप दरवाजे का लुक वह लॉक नहीं बिगाड़े तो यहाँ पर आप साइड में एक लॉक आता है, साइड लॉक बोलते हैं वो यहाँ पर लगता है, उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो जो कि साइड में दिखता है, सामने कुछ भी नहीं दिखता है, तो आप उस लॉक का यूज यहाँ पर कर सकते हो। टिप नंबर 5, दोस्तों ये जो 2 ड्रॉर होती है इनको आपको थोड़ा सा और यहाँ पर डिप में लेना होता है, क्योंकि ये जो डोर हम इस तरीके से अगर चाबी अंदर होती है और इस डोर को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये चाबी यहाँ पर टच हो रही है, तो ये 2 ड्रॉर थोड़ी सी अगर और डिप होती तो ये चाबी यहाँ पर टच नहीं होती है। तो यहाँ पर आप ड्रॉवर को थोड़ा डिप रख सकते हो, उसके बाद आपको चाबी अगर आप लॉक के अंदर भूल भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टिप नंबर 6, दोस्तों आप जब भी कोई डिजाइन सिलेक्ट करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी जॉइंट आते हैं वो खड़े जॉइंट हो, अगर आप आड़े जॉइंट लेते हो तो काफी ज्यादा चांस है कि बारिश के टाइम में आपके जो दरवाजे हैं वो बेंड हो जाएंगे,
इसके लिए कोई भी डिजाइन अगर आप सिलेक्शन करते हो या फिर खुद से भी बनाते हो तो पूरी पूरी कोशिश कीजिए कि जो भी जॉइंट आए वो खड़े फिगर में आए, यानी खड़े जॉइंट आए। इस तरीके से आड़े जॉइंट आप बिल्कुल भी न लीजिएगा ताकि दरवाजे बेंड होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो। 7 दोस्तों, एक स्लाइडिंग चैनल टकलू चैनल भी आती है, आप उसको यूज न करके इस टाइप के स्लाइडिंग चैनल को यूज करिए। इसमें होता है कि इसमें दोनों साइड व्हील आते हैं और व्हील इस तरीके के होते हैं कि इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि इस चैनल में वो अच्छे से फंस जाते हैं, तो जो डोर अपने होते हैं वो नीचे उतरने की संभावना भी कम होती है। टकलू चैनल में क्या होता है कि व्हील बार बार उस चैनल से नीचे उतर जाता है, बट इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम काफी ज्यादा कम होती है। तो आप अगर चाहते हो कि मेंटेनेंस काफी कम आए तो टकलू चैनल का यूज न करते डबल व्हील इस चैनल को बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ऊपर भी व्हील होता है नीचे भी व्हील होता है, इस टाइप की चैनल का आप यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपके लिए एक बोनस टिप भी लेके आया हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके दरवाजे जो वुडन के डोर होते हैं इससे भी ज्यादा स्मूथली चले तो यहाँ पर आप प्रोफाइल के शटर यूज कर सकते हो, जो कि चारों जो पूरी फ्रेम होती है वो प्रोफाइल की होती है और बीच में ग्लास होता है, वो आप यूज कर सकते हो जब तब अगर आप चाहते हो कि आपके दरवाजे काफी ज्यादा स्मूथ चले। लेकिन दोस्तों उसमें एक प्रॉब्लम यह होती है कि जिस तरीके से ये अपने दरवाजे मजबूत होते हैं उतने वह मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि वह प्रोफाइल में अगर एक बार स्क्रू लूज हो जाते हैं फिर टाइट नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि काफी ज्यादा स्मूथ आप उसको चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्टर पर जा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने काफी ज्यादा कुछ सीखा है, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत टाटा।